हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि इतना दिन से मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था और मेरा साथ ही बहुत ही मतलब हादसा हो रहा था। क्योंकि देखो, मैं जो गांव में रहता वो गांव में मेरा घर के सामने जो है वो एक मेरा अंकल गुजर गया था। उसका नेक्स्ट जो है वो मेरा एक बहुत ही क्लोज जो अंकल है वो गुजर गया था। इसके लिए बहुत ही मैं मेंटली डिस्टर्ब था। और उसके बाद मतलब मेरा पर्सनल भी कुछ इशू था। और क्या बोलूँ, मतलब जब पुणे में गया, पुणे से आके जब मेरे पास काम भी नहीं था, बहुत मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ एक्चुअली, तो मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो फाइनली आज मौका मिला वीडियो बनाने का। और आज एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुश है, क्योंकि हम लोग एक नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं। हम लोग एक ऑनलाइन में एक डिलीवरी चालू करने जा रहे हैं। और मेरा साथ में है राजू भद्रा, जो कि इस एप्लीकेशन बनाया है राजू भद्रा ने। उस एप्लीकेशन का नाम है दी हंगास हब। भाई बहुत ही टैलेंटेड है और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मैं राजू भाई के साथ में हूँ, राजू भाई के साथ में काम कर रहा हूँ, ये चीज़ चालू करने जा रहा हूँ। और ये बात एक्चुअली हम लोग 3-4 महीने पहले चालू करने वाला था, उस टाइम हम लोग के साथ नहीं दिया भगवान ने, क्योंकि हमको ठीक ठाक दुकान नहीं मिला था और मैं ये होप ऑलरेडी छोड़ चुका था। उसका बाद मैं चला गया था वापस पुणे में। पुणे से आया तो राजू भाई ने मेरे को कॉल किया, तो मैं बोला ठीक है राजू भाई, अब मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ। तो आज हमारा पहला ऑर्डर है। कल रात का जो भाई मेरे को फ़ोन किया कि 10 बिरयानी का ऑर्डर है, तो इसलिए मैं तुरंत अपना जितना भी काम दिन था सब छोड़ के अभी मैं राजू भाई के घर में आया बिरयानी बनाने को। साथ में अभी जो लॉकडाउन है, पूरा लॉकडाउन है तो घर में दुकान पूरा बंद है, तो हम लोग घर पे ही बनाएंगे, घर पे बना के हम घर पे डिलीवरी करेंगे और आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे हम बिरयानी का। हम लोग ऑलरेडी मार्केट कर चुका है, आपको दिखा दो हम लोग क्या क्या लेके आया हुआ है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने इधर से लेके आया है ये ऑनियन है, ये अपना राइस है, ये अपना खट्टा दही है, ये अपना दूध भी है, ये बटर भी हम लेके आया, ये रोज़ वाटर कैवड़ा वाटर है, इधर अपना घी पड़ा हुआ है। और ये देखो अपना एक्चुअली क्या नाम, बंगाली लोग है, बंगाली लोग बिरयानी के साथ में हर चीज़ में आलू डालते हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग आलू भी लेके आए बिरयानी के साथ। हालांकि ये चीज़ पुणे में नहीं चलता है, तो आलू लेके आया हुआ है हमने, काकड़ी लेके आया, टमाटर लेके आया रायता बनाने को, और भी जितना खड़ा मसाला है सब कुछ लेके आया हुआ है। और बाकी का प्रोसेस हम आप लोगों को बाद में दिखाते हैं। और एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमें ऑफलाइन भी सपोर्ट करना और ऑनलाइन भी सपोर्ट करना हो सके तो। ऑनलाइन हमारा एप्लीकेशन जो है वो लिंक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहते डाउनलोड करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अपना गांव वाला जो भी देख रहा है, अपना गांव वाला, अपना दोस्त लोग जो भी देख रहे हैं, उसको जरूर मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और हमारे काम को सपोर्ट करना। डिलीवरी कंपनी का लिंक आपको शेयर करूँगा, डिलीवरी कंपनी का जो लिंक है वो आपको शेयर करूँगा। और आज से मैं डेली व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इतना दिन से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि मेरे पास कुछ काम धंधा नहीं था और इसीलिए मैं टेंशन में था। ऊपर से मैं आपको बताया कि जैसे कि मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा हादसा हो रहा था, क्योंकि मेरा जो अंकल है वो गुजर चुका था, इसलिए मतलब मैं बहुत ही मेंटल डिस्टर्ब था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। तो ठीक है, अभी बिरयानी बनाते हैं हम लोग और आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं बिरयानी का। तो गाइस, हमारा जो पहला प्रोसेस है, हमने अपना कांदा को छील लिया है, आलू भी छील लिया है, अदरक भी छिलके हो गया है, और लहसुन का जो पील है वो निकाला जा रहा है, पर इतना लहसुन निकालने का हम लोग को बहुत मतलब कंटाल आ रहा है। तो हमने YouTube में एक वीडियो देख रहा था कि लहसुन जल्दी कैसे निकाला, उसी प्रोसेस को हम ट्राई करने वाले और देखते हैं प्रोसेस में कितना सच्चाई है, कितना काम करता है या नहीं करता है, देखते हैं। ये अपना सारा सामान जो है, मतलब आलू, प्याज, लहसुन, सब सामान हम लोग धो लिया है, धोके अभी हम प्याज काट रहे हैं। ठीक है, देखो हमारे पास अभी कुछ है नहीं, मतलब किचन कुछ भी है नहीं, हम लोग आना कि लॉकडाउन के बाद लेने वाला है, तो मैं देखो कैसे तके के ऊपर रख के कटिंग कर रहा हूँ, कांदा कटिंग कर रहा हूँ। तो ठीक है, हम आगे का प्रोसेस हम आपको बाद में दिखाते हैं, तब तक मैं कांदा काट लेता हूँ। अभी पे हम यहाँ पे हमारा कांदा काट के हो चुका है और यहाँ पे और एक भाई साहब जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट बना रहा है, आलू भी काट के हो चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ।
गाइस यहाँ पे अपना जितना भी सामान है पूरा रेडी हो चुका है। चिकन हमने धोके रखा है, इसको बस थोड़ा साइड से काट लेना है ताकि पूरा मसाला अंदर जाए हमारा, जितना भी मसाला पूरा अंदर जाए हम लोग इसे काट कर लेते हैं ताकि जितना मसाला पूरा ये सब काटने के बाद ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी रेडी हो गया, मिर्ची भी कट के हो गया, नींबू भी कट के हो गया और वहाँ पर जो राइस है राइस दिखा थोड़ा तो राइस राइस बाल भी देना है, राइस भी हमने भिगा के रखा है। हालांकि हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है, हम लोग घर पे बनाने वाले हैं ये सब। ये आपने राइस भिगा के रखा है, उसके बाद हम ना और एक बात जो हम लोग यूट्यूब में जो वीडियो देखा था कि लहसुन कैसे जल्दी पील करना है, इसके लिए हमने ये मेथड यूज़ किया था जो कि बिल्कुल ही बेकार है। हमारे पास कुछ काम नहीं कुछ भी काम नहीं हुआ तो हम लोग मतलब ऐसे ही मेहनत से तीन बंदा मिल के फटाफट छील दिया लहसुन। चिकन भी हमारा काट के हो चुका है, अभी टाइम है इसको मैरिनेट करने का। तो यहाँ पे हमने अपना जो पॉट है उसमें अपने डाल दिया चिकन, इस पर अगर डालेगा खट्टा दही डालेगा, इसमें खट्टा दही भी डाल दिया और यहाँ पे जो है हमारा जिंजर गार्लिक और थोड़ा सा ग्रीन चिली है वो पेस्ट हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद इसमें हम डाल देते, अरे यार दही फेट करने को भूल गया, चलेगा कोई बात नहीं, थोड़ा नींबू डाल देते इसमें। बस भींगा दे वागे हैं ना भींगा दे दो ही दिए से नींबू दे चाहे भींगा नहीं चाहिए ना। घी का डब्बा किधर है? घी का डब्बा इसमें थोड़ा सा घी डाल देते अभी और बाकी हम बाद में डालेंगे। अभी हम इसको आधा घंटे के लिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे। गैस को चालू कर लिया है और सबसे पहले हम पोटैटो फ्राई करेंगे जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी टर्मेरिक पाउडर और सॉल्ट से मैरिनेट करके रखा हुआ है और यहाँ पे हमारा आलू फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा पोटैटो जो है वो फ्राई हो चुका है, अभी टाइम है ऑनियन को फ्राई करने का। इसको फ्राई करके पूरा ब्राउन बनाना है क्योंकि चिकन बिरयानी में ब्राउन ऑनियन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम पहले ऑनियन को फ्राई कर लेते हैं। हमने ले लिया अभी ऑनियन को फ्राई करते हैं फिर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑनियन जो है वो फ्राई हो चुका है, फ्राई होकर एकदम उसका गोल्डन कलर जो है वो हो चुका है। यहाँ पे हमने पानी चढ़ा दिया है राइस बॉल करने के लिए और ये वाला जो भट्टी है थोड़ा सा ख़राब है इसलिए हम एक ही भट्टी में काम चलाना पड़ेगा। तो इसी में अभी हम चिकन को पकाएंगे और इसमें तब तक पानी गर्म होने दो और तब तक हम इसमें खड़ा मसाला डाल देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा चिकन एक साइड में चिकन पक रहा है और ये साइड में हमारा पानी गर्म हो रहा है। तो पानी के अंदर ऑलरेडी हमने अपना जो खड़ा मसाला है वो डाल चुका है। खड़ा मसाला है हम लोग डाला बे लीफ, क्यूमिन, उसके बाद क्लोव्स, स्टार एनिस, लौंग डाला है और ब्लैक पेपर डाला है थोड़ा और कार्डमम डाला है और इसके अंदर भी हमने थोड़ा खड़ा मसाला डाला हुआ है। तो अभी हम चिकन को पकाएंगे, उसके बाद हम राइस पकाएंगे। तो हमारा मसाला ऑलरेडी पक चुका है
तो अभी हम इसमें चिकन डालेंगे जो हमने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा था फ्रिज में से। तो मैं फ्रिज में से अभी चिकन लेके आता हूँ। ये हो गया अपना चिकन। तो इसी चिकन को हम डालने वाले हैं अभी इसमें। चिकन हमारा यहाँ पे पक रहा है और हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा घी। और हमारा राजू भाई जो है वहाँ पे अपना मसाला पीस रहा है, जो अपना गरम मसाला है वो पीस रहा है, और थोड़ा सा गरम मसाला डालने वाले हैं हम लोग। चिकन हमारा पक चुका है और अभी बारी है राइस पकाने को। तो यहाँ पे देखो राइस हम लोग ऑलरेडी पका रहे हैं, पर इसका जो गैस का जो कंडीशन है वह बहुत ही स्लो है। तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ताकि थोड़ा फास्ट जले और हमारा काम थोड़ा जल्दी बने। तो ये साइड में हमारा राइस पक रहा है और तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे अपना जो दूध है इसमें घी है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है ताकि थोड़ा सैफरन का कलर आए, क्योंकि हमारे पास सैफरन भी नहीं है और हमारे पास फूड कलर भी नहीं है। तो इसलिए हमको फूड को थोड़ा सा कलर देने के लिए थोड़ा हल्दी पाउडर मिक्स किया इसमें। और यहाँ पे जो हमारे रोगन रखा हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसके मतलब खाने में थोड़ा सा मतलब राइस को थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा सा लाल लगेगा, थोड़ा सा हल्दी मतलब येलो लगेगा, तो इसमें थोड़ा खाने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे गैस जो है बहुत स्लो चल रहा है, इसकी वजह से बहुत लेट हो रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ कब पानी बॉयल हो जाएगा, कब हम राइस डालेंगे। बहुत टाइम हो गया पानी भिगा के, राइस है कि गर्म हो ही नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग वेट कर लेंगे। हमारा ये पहला दिन है, आगे हम अच्छी तरह से करेंगे। हालांकि हमारे पास एक ओवन भी है पर वो चल नहीं रहा है क्योंकि बहुत दिन से घर पे पड़ा हुआ था, तो ऐसे ही ख़राब हो चुका है। हमने ट्राई किया था। तो हमारा यहाँ पे केसर वाला दूध हल्दी वाला दूध, केसर वाला दूध जो है वो बॉयल हो चुका है और हमारा पानी भी यहाँ पर ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है। अभी हम इस सॉस पैन में थोड़ा सा डालेंगे घी। घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे काजू, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा किशमिश। आप सोच रहे हो हमारा बजट कितना है, 80 रुपये का बिरयानी में हम लोग क्या क्या डाल रहे हैं, देखो आप। और थोड़ा सा घी, ये हमारा पहला ऑर्डर है तो हम अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। ये हम घी से फ्राई कर रहे हैं हम काजू और किशमिश को। और हमारा यहाँ पे काजू और किशमिश जो है वो फ्राई हो चुका है और हम लोग अभी जा रहे हैं अपना हैंडपम्प की तरफ। ये देखो हमारा राइस भी ऑलमोस्ट 50% कुक हो चुका है, 50% एक्चुअली हम लोग अगर बाकी 50% हम लोग दम में कुक करने वाले हैं। और ये हमारा नेट है, नेट में हम लोग ये करने वाले हैं राइस को छानने वाले। तो चलिए राइस को छानते हैं। चावल हमारा छान के हो चुका है, अभी चावल को हम फैन में सुखाने की प्रोसेस कर रहे हैं। अभी इसको हम सुखाएंगे और हम इसी हंडी में हम इसको दम देने वाला है वापस। अभी बारी है फाइनल प्रोसेस की। सब कुछ रेडी है अपने पास, ब्राउन ऑनियन, काजू किशमिश, हंडी भी रेडी है, केसर वाला दूध, रोगन, बॉयल आलू, चिकन भी रेडी है। ये धनिया पत्ता अपने पास मिला नहीं, इसको मतलब विदेशी धनिया पत्ता बोलते हैं, हम लोग वही लेके आया। धनिया पत्ता भी काटने वाला हूँ। और यहाँ पे अपना राजू भाई जो है वो आटा गूंद रहा है इसको दम देने के लिए, बिरयानी को दम देने के लिए। तो हमारा हंडी में अभी मैंने लियार बैठा चुका है। पहले लियार में चिकन है, उसके दूसरे लियार में राइस है, फिर इसके ऊपर हमने ब्राउन ऑनियन डाल दिया, उसके ऊपर में हमने काजू किशमिश डाल दिया, उसके बाद हम लोगों ने जो मतलब ये था रोगन डाला, केसर डाला, उसके बाद थोड़ा काजू किशमिश डाला। तो पूरा राइस भर चुका है, हड़ी अंडी पूरा भर चुका है और थोड़ा सा राइस जो बच चुके हैं मतलब अंडी अपना छोटा है, तो कोई बात नहीं। अभी हम इसके ऊपर में ये केला पत्ता डालने वाले हैं। इसमें क्या होता है, टेस्ट थोड़ा सा यूनिक लगता है। तो केला पत्ता डालने के बाद हमने इसके ऊपर एक केला पत्ता डाल दिया हमने इसके ऊपर
उसके बाद हम अभी लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद हम इसको अभी पूरा सा पूरा सील कर देंगे, दम होने के लिए रख देंगे इसको पूरा सील करने के लिए। बिरयानी हमारा यहाँ पे दम हो रहा है, तब तक मैं रायता बना लेता हूँ। रायता के लिए हमें चाहिए कांदा, टोमेटो, थोड़ा सा मिर्ची, दो काकड़ी और दही अपना फ्रिज में पड़ा हुआ है, तब तक मैं रायता से तैयार कर लेता हूँ। और हम यहाँ पे अपना काकड़ी, टोमेटो, ऑनियन और मिर्ची जो ये बारीक काट लिया है, अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। इसमें रायता का टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया आता है। और इसके अंदर हम डालेंगे दही, ये दही हमने ले लिया, इसको हम अभी मिक्स करेंगे और रायता अपना तैयार हो गया है। बिरयानी हमारा अभी भी दम हो रहा है और हमने जग कर लिया पूरा क्लियर, जितना भी अपना सामान था सब हटा चुका हूँ सिवाय अपना ऑनियन को छोड़ के, क्योंकि इसको हमको गार्निश करना है। पार्सल कंटेनर अपना बाजू में रखा है, आज 10 नहीं 12 ऑर्डर है, तो अभी बिरयानी दम होने के बाद हम लोग पार्सल करने वाले हैं। तो अभी हो चुका है 4:42, तो मतलब 50 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। अभी हम इसको ओपन करने वाले हैं, देखते हैं अंदर का क्या सीन है। हमने ओपन कर लिया है, अभी इसके ऊपर जो केला पत्ता रखा हुआ है हमने, खुशबू आ रहा है क्या बिरयानी का? हाँ सच में आ रहा है। हाँ आ रहा है, हाँ तो सही बात है। राइस पर देखते हैं हम लोग, राइस अभी कच्चा है, मतलब अभी भी और भी दम देना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा कच्चा है राइस। हाँ तो गाइस बिरयानी अपना रेडी हो चुका है और हमने देखो ये बैग में अपने पार्सल भी कर लिया है, अपना 11 पोर्शन आया हुआ है बिरयानी का 2 किलो राइस में, हालांकि और थोड़ा राइस भी है अपने पास, पर अपने पास चिकन नहीं है। और हम थोड़ा अपसेट इसलिए है क्योंकि नीचे से जो राइस है ना वो थोड़ा सा जल गया था, हालांकि कोई बदबू या बास बीस कुछ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा चिकन लग चुका था इसलिए हम थोड़ा अपसेट है। तो आप देख सकते हैं पसीना कितना निकला हुआ है, क्योंकि अब हम ही यूटिलिटी बॉय है, हम ही कुक शेफ है, हम ही डिलीवरी बॉय है, सब कुछ हम ही लोग कर रहे हैं। अभी मैं और राजू भाई दोनों जा रहे हैं डिलीवरी करने के लिए, हालांकि हमारे पास और भी ऑर्डर आया था पर अपना पास चिकन नहीं था इसलिए हम आज पहला दिन है कम डिलीवरी आया। अपना जो मेन शेफ है वो मेन शेफ एक्चुअली उसका क्या है, जो फादर इन लॉ जो है वो उनका फादर इन लॉ गुजर गया था, तो उनका फादर इन लॉ का जो 10-15 दिन के बाद जो काम होता है वो काम के लिए बिजी था, वो इसलिए आज आ नहीं पाया। तो हमारे पास ऑर्डर रात को आ चुका था, तो हम लोग ऑर्डर कैंसिल करना नहीं चाहता क्योंकि अपना पहला ऑर्डर है, तो इसलिए मेरे को जितना आता था मैंने बनाया अपना मन से, दिल से बनाया, माँ कसम दिल से बनाया भाई। तो अभी हम जाते हैं डिलीवरी करने को और कस्टमर का फीडबैक भी लेंगे, देखते कैसे बनाए। और कल से अपना जो प्रॉपर शेफ है वो आने वाला है और वो शेफ का इंटरेक्शन हमको कल देगा, वो बहुत ही बढ़िया शेफ है वो, इसका इंटरेक्शन कल। तो हम डिलीवरी देने जा रहे हैं अभी हम लोग और फीडबैक लेके आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हुआ करके एक्चुअली में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देख सकते हो मास्क हेलमेट सब लगा के अभी हम लोग डिलीवरी करने को जा रहे हैं। डिलीवरी करने को कितना टाइम लगेगा तुझे भाई? 1 घंटा? तो हमने बहुत जगह बहुत दूर दूर से भी डिलीवरी आया हुआ है और हमने एक्चुअली 3 किलोमीटर का जो रेंज है उसके बीच में अगर कोई डिलीवरी करता है तो डिलीवरी हमने फ्री रखा हुआ है, और आज पहला दिन है तो हमने जितना भी दूर दूर से डिलीवरी आया हुआ है तो सबका फ्री कर देंगे आज। और हम लोग दो ही बंदा है, देखो दो बंदा से सुबह से काम कर रहे हैं सर, 10 बिरयानी बनाने के लिए, 10-11 बिरयानी बनाने के लिए सुबह से मेहनत कर रहे हैं, हालांकि टाइम नहीं लगता था क्योंकि अपने पास इक्विपमेंट्स नहीं था इसलिए।
जो है ना, ये पहले डिलीवरी हम लोग ये घर पे छोड़ा है, ठीक है। तो सब आप जेन्युइन रिव्यू देना, जेन्युइन मतलब फीडबैक देना, जो मतलब कैसे लगा करके, जो कम ज़्यादा कुछ हुआ तो बता देना हम लोग को, ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा बना सके, हम लोग गलती से सीख सके, ठीक है। तो हम लोग अभी चलते दूसरा डिलीवरी देने के लिए। तो अभी ये वाला घर में अपने को देना है 3 डिलीवरी।